For all the updates, subscribe to my channel and press the bell icon. दिसंबर का महीना पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट छुट्टी का होता है क्रिसमस की वजह से, जिसमें लोग जो हैं ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। इंडिया में हम ना चाहते हुए भी अपने रिश्तेदारों को समय देते ही हैं, और ऑफ कोर्स हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो छुट्टियाँ भी उन्हीं के साथ स्पेंड करें ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगा एक मॉर्निंग की मूवी टिकट लो, मूवी देखो और चिल मारो। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग की टिकट क्यों? पहला रीज़न तो ये कि मॉर्निंग की टिकट्स सबसे सस्ती होती हैं, और दूसरा ये कि आप चाहे किसी के भी साथ मूवी देखने जाए, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बहन हो, मम्मी हो या फिर वाइफ हो, मॉल खुलने से पहले आपकी मूवी ख़त्म हो जाएगी और आप आ जाएंगे घर, तो जिससे उनकी नज़र जो है वो सेल वाले बोर्ड पे नहीं जाएगी और आपका यहाँ पे डबल फ़ायदा हो जाएगा। खैर, इन सारी बातों को छोड़ते हैं और मुद्दे की बात में आते हैं कि मूवी कौन सी देखने जाए। यार, इस महीने छोटी मोटी मूवीज़ तो रिलीज़ ही नहीं हो रही है। रिलीज़ हो रही है इस बार बड़े बड़े स्टार्स वाली मूवी और बड़े बड़े बैनर्स वाली मूवीज़, जिसमें से कुछ फिल्में रिलीज़ भी हो गई हैं, जैसे पानीपत और पति पत्नी और वो। पानीपत को मिले हैं अप्रॉक्स 5.7 स्टार्स और पति पत्नी और वो को मिले हैं 6.3 स्टार्स। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो कि कौन सी मूवी देखने जानी है। पानीपत की लड़ाई तो आपको ऑलरेडी याद होगी क्योंकि आपने स्कूल में बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, और पति पत्नी और वो तो वैसे भी लड़कियां देखने जाने ही वाली हैं, और लड़कियों के पीछे लड़के भी देखने जाएंगे उस मूवी को। तो इट्स अपॉन यू कि आप कौन सी मूवी प्रेफर करेंगे, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि पानीपत में आपको नज़र आएंगे काफ़ी सारे स्टार्स और साथ में अच्छी एक्टिंग एक्सेप्ट अर्जुन कपूर। और पति पत्नी और वो में और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, कार्तिक आर्यन को देख के आपके पैसे वसूल हो जाने हैं। अगले हफ्ते यानी कि 13 दिसंबर को रिलीज़ हो रही हैं दो दो मूवीज़, जिसमें से पहली मूवी है मर्दानी 2, जिसमें बहुत टाइम बाद नज़र आने वाली हैं रानी मुखर्जी। मूवी को प्रोड्यूस किया है रानी मुखर्जी के ही पति ने। पता नहीं रानी ने फिल्म में एक्टिंग करने के लिए पैसे लिए होंगे या नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है। मूवी में काफ़ी एक्शन है, सस्पेंस, ड्रामा, सारी चीज़ें हैं। मूवी में रानी के काफ़ी सारे एक्शन सीन्स भी हैं। मूवी बेस्ड है कोटा में हुए एक स्टूडेंट के रेप की। मेरे हिसाब से सभी को मूवी देखने ज़रूर जाना चाहिए, भले मूवी अच्छी लगे या बुरी लगे, बट आई थिंक कि मूवी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को और देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग शायद हम लोगों को और रिस्पेक्ट देना सीखें। दूसरी मूवी जो 13 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है वो है इमरान हाशमी की दी बॉडी। नहीं, इमरान हाशमी उस मूवी में जिंदा है, इमरान हाशमी किसी और की बॉडी को ढूंढ रहे हैं, इनफैक्ट अपनी वाइफ की बॉडी को ढूंढ रहे हैं, जिसको इमरान हाशमी के हिसाब से उन्होंने मार दिया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द मूवी फिल्म में जो बॉडी को ढूंढने वाले शख्स हैं वो हैं ऋषि कपूर। जी हाँ, आफ्टर अगेन रियली लॉन्ग टाइम मूवी में नज़र आने वाले हैं ऋषि कपूर, और मेरे हिसाब से ये मूवी तो देखने वाली होगी बिकॉज इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जोसेफ एंथनी, जिन्होंने अगर आपने दृश्यम देखी है तो जो ओरिजिनल साउथ की दृश्यम थी उन्होंने डायरेक्ट किया था, और उन्होंने साउथ में और भी काफ़ी सारे फिल्म्स डायरेक्ट किए हैं। और अगर हम कंपेयर करें बॉलीवुड और साउथ की मूवीज़ तो साउथ की मूवीज़ का भी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो चुका है। तो डेफिनेटली 13 दिसंबर को जो दोनों मूवीज़ रिलीज़ होने वाली है वो दोनों ही देखने वाली होगी। उसके अगले हफ्ते यानी कि 20 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है पूरे साल की मच अवेटेड फिल्म भाई की दबंग 3। दबंग 3 के बारे में कोई कितना भी बोल ले, मुझे पता है आप सब देखने जाने ही वाले हैं, तो इस फिल्म के बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में सलमान खान के अलावा आपको नजर आएंगे सोनाक्षी सिन्हा और पंकज त्रिपाठी, और साथ ही साथ वो सारे एक्टर्स जो सलमान की बाकी सारी मूवीज में भी होते हैं। मूवी के ट्रेलर ने पर्सनली मुझे उतना एक्साइटेड नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक कि मैं मूवी देखने जाऊंगी या नहीं, बट आई नो दैट काफ़ी सारे लोग मूवी को देखने जाने ही वाले हैं। तो लेट्स जंप टू द लास्ट मूवी ऑफ द ईयर, जो कि होगी गुड न्यूज़, जो कि फाइनली जो सारा रिलीज डेट का कियोस्क चल रहा था, फाइनली गुड न्यूज़ को एक रिलीज डेट मिल गया है जो कि है 27th ऑफ दिसंबर। मूवी का जो ट्रेलर है, मूवी का ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
According to the trailer, movie is full of comedy and of course good music. Music दिया है क्योंकि अपने हिमेश भाई ने. तो ओवरऑल मूवी में आपको कॉमेडी देखने को जरूर मिलने वाली है बिकॉज मूवी में है एज आई टोल्ड यू अक्षय कुमार. और अक्षय कुमार साल में एक ढंग की कॉमेडी मूवी तो कर ही लेते हैं. यहाँ पे हम हाउसफुल, पता नहीं कौन सी वाली हाउसफुल थी, उसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं. तो ये थी बस सारी बड़ी बड़ी बैनर्स वाली मूवीज जो इस महीने रिलीज होने वाली है जो कि ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी. इसके अलावा काफी सारी छोटे बजट की मूवीज भी रिलीज हो रही है, बट जब कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है तो फिर मैंने सोचा हम भी क्या ही बात करें. इसके अलावा साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, तो अगर आप साउथ इंडियन मूवी के फ़ैन हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि अलग इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी रिलीज़ होने वाली है. तो ये था आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताना कि आपको वीडियोस में और क्या देखना है. तो यस, अब हम मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में. टिल देन यू टेक केयर, बाय. फॉर ऑल द अपडेट्स सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.